क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने एक प्लेन लिया, ठीक है, तो मैंने एक एरिया तैयार करना है मुझे। पहले सबसे पहले छोटा सा ले लिए, छोटा सा, ठीक है। उसके बाद इसके मॉडिफायर लिस्ट में जाके इसको बिल्कुल छोटा सा कर दिया दीवार टाइप के लिए। उसके बाद मैंने इसमें लगाया एडिट पॉली, क्या लगाया, एडिट पॉली। अब मुझे एक दीवार बनानी है, तो क्या करूँगा, बिल्कुल स्ट्रेटली मैं इसको दीवार को जनरेट कर देता हूँ लाइक दैट। जाहिर सी बात है मुझे यहाँ से आगे तक लेके जाना है तो उसको एडिट एडिट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक एज ली, ठीक है, क्या ली, टू दबा के एच शिफ्ट के साथ आगे की तरफ खींची, शिफ्ट के साथ, तो ये हल्की सी एक्सट्रूड हो जाएगी, ठीक है, बराबर टाइप की। अब इधर से भी कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे सेम टू सेम इधर से भी कर सकता था, ठीक है। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करी, सेम चीज़ शिफ्ट के साथ लाइक इतना, ठीक है। अब जो चीज़ मैंने यहाँ अप्लाई की है वही चीज़ मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, सेम कंट्रोल दबा के, ठीक अच्छा है, और दोनों तरफ है सिलेक्ट है, शिफ्ट दबा के ड्रैग कर दिया लाइक दैट, ठीक है। अब मैंने वापस से वहाँ पे जूम किया, यानी कि थोड़ा सा मेरे को चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा एज लगा, अब ये एज और कंट्रोल दबा के ये वाली एज आपस में क्या कर दूंगा, ब्रिज, ब्रिज से क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएगी, दिख रही है, अच्छा समझ में आ रहा है। अब ये हल्की सी पतली लग रही है, मोटी लग रही है, तो हम वर्टेक्स पकड़ेंगे यहाँ से थोड़ा सा, कहाँ से, नीचे वाला, ठीक है, और फिर इसका भी थोड़ा सा ले लेंगे कंट्रोल के साथ, ठीक है, और डब्लू करके थोड़ा सा दूर करेंगे, देखो वहां के हिसाब से थोड़ा सा कर सकते हैं, यहां से भी इतना ही मैनुअली जितना हो सकता है, अगर थोड़ा सा बच जाए तो उसके हिसाब से हम इसको भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, इधर से भी देख लेते थोड़ा सा, ये एक दीवार है। अब इसी से ही मैं पूरी विंडो, कंप्यूटर और ये सब, मतलब पूरी लैब तैयार करने वाला हूँ सिर्फ इतने से। तो मैं इतना मैप बना दिया हमने, अब मैंने क्या किया है, इसमें एक एज लगाई एज ए सेंटर में, क्योंकि तो वो दो कमरे बराबर है हमारे, ठीक है, तो टू किया एज ले दोनों टू और ड्रैग कर दिया, तो दोनों एज सेलेक्ट हो गए, राइट क्लिक किया, लगा दिए कनेक्ट, कनेक्ट में एक लगाऊंगा तो बिल्कुल सेंटर टू सेंटर लगेगा, ये देखो सेंटर में लग गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंटर में तो लग गया, अब मैंने इसी सेंटर को सेलेक्ट किया और यहाँ होता है चैम्फर, चैम्फर दबाने से क्या होगा कि मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ कितनी दूरी पे रखनी है, ठीक है। अगर चैम्फर नहीं करना चाहते तो चैम्फर टूल पे चले जाओ सेटिंग पे, तो ये अपने हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो कितना उसको चौड़ा चाहिए कितनी चाहिए, चॉइस इज योर्स, देख रहे हैं, तो ये सामने हो गया, सेम ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे भी, सेम टू सेम, ठीक है, एज ए कनेक्ट, ओके, इसमें चैम्फर में टूल में जाएंगे, बराबर आ गया, ओके। अब मैंने इसको ब्रिज नहीं करना है, तो क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको भी सेलेक्ट करके देख लेते हैं, ठीक है, आर करके देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये बराबर खींचेगा। तो मैंने क्या किया, इसको दोनों को यहाँ पे कर दिया एक्सट्रूड, किस पे, सेटिंग पे, और वैल्यू बढ़ा दी, गड़बड़ हो रही है, तो मैं इसको बढ़ा के देखते हैं, इससे भी गड़बड़ हो रही है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, एक्सट्रूड ना करते हुए हम इसको एक बार में कर लेते हैं, तो कैसे थे, हो गया, कितनी एरिया लेना है, मैंने कहा शिफ्ट के साथ थोड़ा सा एरिया, इसमें क्या होगा, मैं मैन्युअली वर्क करूंगा, देखो वो चला गया, वहां गड़बड़ हो गई, तो मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, इस पे अप्लाई किया सीधा एज एज ए फोकस, देखो बिल्कुल सही है, पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो मुझे दिखेगा कि बिल्कुल सही जा रहा है या नहीं जा रहा, कैसे देखो यहाँ से, अब कैसे पता लगेगा सही है कि गलत है, तो आप इसको खींचोगे तो देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो रखा है, पहले से हो रखा है ना, तो मैं इसको बिल्कुल पीछे लेके आऊंगा, F4 दबाओ, वायर फ्रेम दिखेगा, ठीक है, ये देखो अब इसको खींचो सही आएगा कि नहीं आएगा, नहीं सही आएगा, मतलब इसका एक्सट्रूड यहाँ से हट गया है, इसका ये भी हट गया है, तो मतलब बराबर है ना, तो मैंने डायरेक्ट ही एक्सट्रूड वैल्यू पे गया और इस वैल्यू को इंक्रीज कर सकता हूँ।
देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट ही W के साथ ही खींच लेता हूँ, मैनुअली टाइप का। बराबर हो गया, सेम टू सेम इधर भी कर लेता हूँ। देखो बन गया। अब इसका मैंने टॉप पे गया तो देखा मैंने, ठीक आ रहा नहीं आ रहा, कैसे पता लगा? वर्टेक्स पकड़ो, खींच के देखो, बिल्कुल सही है। अगर एक्स्ट्रा होता ना पॉइंट अलग से, आता नहीं, उसी में से निकल जाता है। इसको भी देख लेते हैं, ऐसे ही सेम एंगल, नहीं सही है, ये भी है सही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको किसको एज को, कौन सी वाली, ये वाली एज कंट्रोल के साथ, ये वाली एज को शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दिया नीचे, ठीक है, दिख रहा है? अच्छा ये हो गई मेरी ट्रैक। मैंने कहा यहाँ पे एक एज लगाता हूँ जिसको मैं से क्या करना है, ब्रिज करना, मतलब कंप्लीटली सेट करना है इसको, ठीक है। तो मैं इसमें कलर करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने एक दीवार के तौर पे इसको तय करना है, दिख रही है हमारी दीवार पॉइंट, क्लियर दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ऐसा होता है कि ये जो चार खाने हमारे, ये जो हमने लिया है, मैं चाहता हूँ कि ये फिलहाल के लिए हटा दिया मैंने, मैंने कहा कि यहाँ से हटाने से अच्छा है, इसमें से बनाने से अच्छा है हम एक नया ऑब्जेक्ट ही उठा ले तो कैसा रहेगा। तो मैंने क्या किया, या तो मैं यहाँ से प्लेन से ऐसा कैसा उठाऊँ, या फिर मॉडिफाई में टू दबा के सेम सेलेक्ट किया, ठीक है, और शिफ्ट के साथ थोड़ा सा खींच दिया, लगभग इतना, ठीक है, ठीक है। और मैंने क्या किया, नंबर 4 दबा के इसको सेलेक्ट करके, यहाँ पे होता है डिटैच, क्या होता है डिटैच, डिटैच। इससे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया अलग, देख रहे हैं? फिर से 2 दबाया, शिफ्ट के साथ थोड़ा बढ़ाया, लगभग इतना ही, ठीक है। और इसको यहां से दबा के बिल्कुल इसके नीचे ले जाओ, लगभग इतना। तो ये देखो आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे तैयार हो, और मैंने इसको बिल्कुल इसके साथ सेट कर दिया, अभी ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने इसको पकड़ा, यहाँ पे ऊपर होता है हमारे पास मिरर, क्या होता है कॉपी मिरर, इस पर क्लिक किया, मैंने कहा कॉपी हो जाए, तो कॉपी हो गया। देखो वैल्यू कितनी रखनी है, चॉइस इज माइंड, तो मैंने इसको थोड़ा पीछे कर दिया, कितना पीछे करना है अब आराम से इसको कर सकते हो। तो मैंने इसको इतने पे रख के ओके कर दिया, ठीक है। और W प्रेस करके पहले मॉडिफाई में गया, यहाँ सॉरी हरा के मैं अफेक्ट सेंटर टू ऑब्जेक्ट, फिर मॉडिफाई में जाके थोड़ा सा इसके पास ले लीजिए, बिल्कुल पास, लाइक इतना हो गया। देखो अच्छा ये दीवार बन गई। अब मुझे जो दीवार है ये छोटी है बड़ी है, कैसी है कैसी नहीं है, वो हमारे ऊपर है। तो मैंने इसको पकड़ा पहले, वन कर सकते हैं, हाँ जी बोलो बेटा, दोबारा पकड़ देता हूँ। मैंने जैसे कि मेरा वैसे भी वर्टेक्स बहुत बड़ा है, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इसको छोटा करना चाहूंगा, वन दबाया, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, लाइक इतना दे दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले ये देखो इतने ऊपर है, मैं हैराकी में गया, अफेक्ट किया पाइवेट को और उसको सेंटर कर दिया, ऑब्जेक्ट तो पास में आ गया ना उसके, मतलब पाइवेट। उसके बाद मिरर किया और इसका एक्स का मिरर करके इसको कॉपी कर दिया सेम है, और वैल्यू को हम सेंटर कर सकते कितने दूर लेके जा रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको कहा कि ओके करके मैं इसको आगे ही ले जाता हूँ खुद से सेल्फ, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ रखा और थोड़ा सा आगे रख दिए, लगभग मैंने इतना दिया। देखो अब मेरी दीवार लाइक इसमें, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों बराबर स्थिति में है, तो जाहिर सी बात है मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो गेट के हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, कितना कि मुझे इसके अंदर से लें। क्या करूंगा मैं, सेम इसमें यहाँ पे लगाऊंगा, क्या एच लगा यहाँ पे, लेके राइट क्लिक टू कनेक्ट, एक करके ओके कर दिया, और इसको ओके करके इधर रख सकता हूँ। एक तो तरीका यह है, दूसरा भी बताऊंगा, पहले एक देख लिया, ठीक है, ये देख लिया। फिर उसके बाद वही सेम चीज़ चैम्फर किया, वैल्यू इंक्रीज की, कितनी चाहिए मेरे को, रख दिया ओके। अब मैंने एक दूसरा तरीका है, क्या मैंने इसको पकड़ा, यहाँ पे एज लगाया, राइट क्लिक किया कनेक्ट, फ्री एज पकड़ लिया, यहीं पे मैं दो वैल्यू डालती हूँ,
अगर यहीं पे दो डाली, ठीक है, अब इन दोनों के बीच का एरिया कम कर दिया यहीं से, ठीक है, और इसकी मदद से थोड़ा नीचे ना जाके ऊपर लगा दिया, तो देखो सही हो गया, सेम चीज, बार बार चैम्फर करने की जरूरत नहीं बची, ठीक है ना, ये कहने का तरीका है। अब मैंने क्या किया, एक ही बार एक ही ऑब्जेक्ट लूंगा, सिंपल सी बात है, शिफ्ट के साथ एज ए ड्रैग, तो मेरा लगभग लगभग बराबर ही है, थोड़ा ऊपर नीचे वो देख लेंगे, वही नंबर फोर, इसको सेलेक्ट करके हमने क्या कर दिया, डिटैच, यहां पे मिले तो ठीक, नहीं तो फिर आप यहां से भी नीचे ले जाके इसको डिटैच कर देंगे, डिटैच करने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा, अलग कैसे, देखो, ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ये तीन के चीजों में बदला हुआ है, कैसे, दो कमरे हैं और एक किचन है, तो मैं इसके तीन हिस्से करूंगा, कैसे, टू दबाया मैंने इसमें, राइट क्लिक करके कनेक्ट किया, वैल्यू दो की जगह तीन कर दी, इन दोनों को फिलहाल के लिए जीरो रखूंगा, ताकि ये दोनों इधर उधर, और इनके अलावा मैं इसको थोड़ा इसको भी जीरो जीरो कर देता हूँ, तो ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है देखो, और इसको मैं थोड़ा सा इधर ना करके इधर कर लेता, कर सकता हूँ, तो मैंने कहा फिलहाल के लिए मैं इसको एक बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, एक, और इसको इतना ले जाता हूँ पीछे की तरफ, ताकि एक मेरा एरिया बन जाए किचन का, हो गया, अब मैंने इसमें लगाया सेम चीज चैम्फर, वो एरिया डिसाइडेड लाइक इतना, ओके, वही एज, शिफ्ट के साथ ड्रैग, कितनी दूरी, अंदर डालना अंदर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, अब मेरे को इसको दो हिस्सों में बनना है, तो कनेक्ट किया, तो जैसे ही एक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो दो हिस्सों में ही बढ़ जाएगा, इसको करो दो और इसकी वैल्यू कर दो पास में, फिर एज लो, शिफ्ट से ड्रैग करो और लगो इतना, देखो तीन बन गए, और ये आपका हो गया एक एरिया, एक एरिया हो गया, अब यहां पे क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, तो मैंने एज पकड़ ली, सेम चीज, टू दबाया, कौन सा, इस पे क्या दबाया, टू, इस एज को पकड़ा, शिफ्ट के साथ ड्रैग किया, लगभग इतना ही, सेम चीज, ठीक है, और मैंने क्या किया, इस फेस को वापस से क्या कर दिया, डिटैच, सेम चीज, ऊपर लेके गया और कर दिया डिटैच, ओके, ठीक है, और पॉलीगन उठाया, ये पकड़ा, आर दबा के पतला कर दिया, पहले क्या किया, मडहारिका में ऑब्जेक्ट सेंटर टू पायवेट करना जरूरी है, नहीं तो पतला नहीं हो पाएगा, ठीक है, और ये किया इतना, और इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया बराबर एंगल में, तो मैंने क्या किया, दो हिस्से बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो उसकी कटिंग सही हो, या फिर मैंने टू दबाया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, एक कनेक्ट किया, सिंगल एक, ओके किया, नंबर फोर दबाया और ये एरिया डिलीट मार दिया, ठीक है, या फिर हम तीन हिस्सों में बदल सकते हैं, चार हिस्सों में बदल सकते हैं, मर्जी मेरी है, तो मैंने क्या किया, दो हिस्से बना दिए इसके, क्या बना दिए, दो, टू दबाया, राइट क्लिक टू कनेक्ट, एक और दो, ओके, ठीक है, फिर मैंने इसको ऑब्जेक्ट आया, पहले फेस पकड़ सकते हैं, ये दोनों फेस को कर दिया डिलीट, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा, आर दबाया, राके में जाकर अफेक्ट टू सेंटर, हटाया और पतला कर दिया, और थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है, और पतला कर सकते हैं इसको, ठीक है, शिफ्ट के साथ मैंने इसको ड्रैग किया, कितने, दो एंगल पे, तो ये दोनों चले गए, और इसको थोड़ा सा आगे लिया, लगभग इतना, और थोड़ा सा रख दिया कुछ इस प्रकार से, या इस प्रकार से, ऐसे तो है, खींचते हैं ना इसको, और इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, तो मैंने इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, दोनों को छोटा कर दिया, क्या कर दिया, हल्का सा छोटा, डबल दबाया, थोड़ा दूरी रखी, तैयार हो गया, मिरर आई मिरर कांच, ठीक है, और आर दबा के थोड़ा पतला कर है दिया, क्या समझ में आया, नहीं आया पहले तो बताओ।
इतने में कोई दिक्कत है? सर वही राखी में जाके जाना सेंटर टू पायलट, पायलट ठीक है। अब मैंने क्या किया, जहर सी बात है मुझे यहाँ पे विंडो के लिए कांच लेना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया है, इसको पकड़ा पहले, वन दबाया, थोड़ा सा दूर कर लेते इसको ताकि वो दीवार के साथ फिट हो जाए। सेम एरिया यहाँ पे भी थोड़ा सा अंदर ले, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एज लिया, ये लिया और ये लिया, दोनों लिया, राइट क्लिक टू कनेक्ट, दोनों में एक लिया और शून्य किया। वैल्यू को हम पास में ले सकते हैं, थोड़ा सा गेट का एरिया है, ठीक है, ओके किया। नंबर फोर लिया, ये वाला और ये वाला मैंने मार दे डिलीट, ये वाला भी मार दे डिलीट, क्योंकि ये तो किचन है, ठीक है। अब किसकी बारी, किसकी बारी, सेम चीज, नंबर फोर एरिया डिलीट। अब किसकी बारी, इधर है, ठीक है, टू इसको पकड़ा, राइट क्लिक टू कनेक्ट और थोड़ी दूरी बढ़ा दी, ऐसे कि दूर है ना, सर नहीं पास है, इतना किया, वो इधर लास्ट में है हाँ वो उधर लेके चला गया, थोड़ा सा मैंने उधर लिया, ठीक है, ये थोड़ा सा उधर है तो वन दबा के थोड़ा सा उधर ले लेते, क्योंकि वो इतने बराबर में है, ठीक है, तो थोड़ा हम डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। टू दबाया, यहाँ पे जो एज है इस पे बाद में दबाएंगे, नंबर फोर किया, ये एरिया डिलीट और ये एरिया डिलीट, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, हेडर को लेटाया, एक पॉइंट पकड़ा, डब्ल्यू दबाया, शिफ्ट के साथ ड्रैग किया, एक एक्स्ट्रा लग गया एज, ओके। फिर आर दबा के इसको बड़ा किया, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, डब्ल्यू थोड़ा दूर, सॉरी इतना, फिर आर किया, फिर एक एरिया इतना बढ़ाया, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, डब्ल्यू दबाया, थोड़ा नीचे की तरफ, ये लगभग इतना, थोड़ा और कर लेते हैं, ये क्या हो गया, कौन सा वाला एरिया है, मेन गेट वाला फिर जॉइंट वाला जो एंट्री के साथ में लगा हुआ है वो वाला, और ये गेट बन गया, पूरे पूरे तैयार हो गया अपना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पर्सपेक्टिव में लिया, तो ये देखो हमारे पास पूरा एक एरिया तैयार हो गया। अब मैंने सबको एक साथ पकड़ा वन टाइम में, देख रहे हैं, कुछ कुछ थिकी पार्ट ज़्यादा हैं, कुछ मोटे हैं, तो वो दीवार और इसके वजह से है, ठीक है। अब ये चीज़ें हम लोग इसको पतला करना चाहें तो वन दबा के किसको, इसको पकड़ेंगे, वन दबाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें पतली करनी पड़ेंगी, तो ठीक है, आर दबा के थोड़ी सी पतली कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद इन सभी को सेलेक्ट करके यहाँ जाएंगे मॉडिफाई में, शेल आएगा, क्या आएगा, शेल, SHELL, शेल दबाने से क्या होगा, ये थिकनेस हो जाएगी थोड़ी सी, मोटा हो जाएगा, दिख रहा है, और उसके बाद वैल्यू बढ़ा दो, कितना लेना है, तो मैंने इतना ले लिया, तो ये आपकी एक कॉरिडोर की दीवार तैयार हो गई, ठीक है। दोबारा लेंगे कैसे, शेल हटाएंगे फिलहाल, ठीक है, यहाँ पे तो निकलना भी था, ठीक है ना, तो मैंने क्या कि इसको एरिया को डिलीट करूँगा, कैसे, वन दबाया, इसको पकड़ा, डब्ल्यू किया, सॉरी डब्ल्यू, वन दबा, अब तो ठीक है, अलग करने का कुछ तो फायदा है ना, वापस ये शेल में, ऑब्वियसली बात है हमारा ये रह गया नंबर फोर, इसको भी डिलीट मार देना, ये भी तो अंदर का है, इसके अंदर भी तो एंट्री डोर है, ठीक है। ये क्या, सब ऑब्जेक्ट, सब सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेट किए, सब के सब, शेल मारा, सेम चीज लगाया, थिकी पार्ट बढ़ाया और इसको तैयार कर दिया हमने, तो ये हो गया हमारा एक एरिया तैयार, ठीक है। उसके बाद नीचे तो प्लेन है ही है, तो प्लेन लगा देता हूँ छोटा सा।
डबल दबाया, थोड़ा सा बड़ा किया इसको, लगभग कितना लिया, ये लिया इतना ही जितने में ही काम हो जाए, तो मैंने इसको थोड़ा छोटा थिकनेस इसमें बढ़ा सकता हूँ, तो इसको ये ना करके बॉक्स ही ले लेता हूँ। टॉप पे गया, सेम जी है बिल्कुल, इसके थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा पास में या दूर में रख के एग्जैक्ट पॉइंट पे सेट कर दिया, और इसको पर्सपेक्टिव में जाके देखा बहुत तक बड़ा है, आर करके छोटा किया, ये लगभग मैंने तैयार किया, ये और पतला करके लगभग देखो डब्ल्यू किया थोड़ा नीचे की तरफ, ये ठीक है, इसको बड़ा के लगाया, एडिट पॉली लगा दिया, वाटर पकड़ा, टॉप पे गया, यहां से पकड़ा पहले इसको बिल्कुल नीचे ले आया, फिर इसको पकड़ के बिल्कुल यहां लगा सकते हैं, देख रहे हैं ना, यस पर्सपेक्टिव पे गया, तो देखो तैयार हो गया। अब मैंने कहा यार तैयार होने का तो फायदा तो है नहीं, दिक्कत है, तो मैंने कहा यार बॉक्स की जगह हम प्लेन ही लगा सकते हैं, कैसे पता लगे, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाद में हम उसको बॉक्स बना सकते हैं ना, तो मैंने एक काम करता हूँ इसको प्लेन ही ले लेता हूँ, तो यहीं से ही प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है, वही सेम चीज, मॉडिफाई एडिट पॉली वन, पकड़ा थोड़ा नीचे लगभग कितना, ठीक है इसको पकड़ा थोड़ा, ठीक है फिर टू दबाया, ये पकड़ा शिफ्ट के साथ इतना पड़ गई, ठीक है ना, ठीक है बड़ा शिफ्ट के साथ है, एक्सट्रूड कर दिया ना हमने इसको, फिर इधर से लिया हमने, ये लिया लगभग इतना, ये लिया एक, ठीक है ऐसे ही इधर से भी थोड़ा सा, ये लगभग इतना लिया और इसको थोड़ा बड़ा ले लिया, ठीक है सेम एरिया, सेम एरिया, बोन दबाया, इन दोनों को सेलेक्ट किया, आर दबा के स्ट्रेट कर दिया, हो गया स्ट्रेट, इसको पकड़ के भी स्ट्रेट कर दिया, टू दबाया फिर से पकड़ा, सॉरी डबल दबाया, शिफ्ट इधर एक्सट्रूड लाइक इतना, दिख रहा है ना, टॉप पे गिरा जेड, ठीक है अब आपस में ब्रिज कर सकते हैं, तो मैंने इसको ब्रिज कर दिया, क्या कर दिया, ब्रिज कर दिया, और ये वाला एरिया मैंने ले लिया इधर से, ठीक है इसको टू दबाते, सॉरी टू दबाया, राइट क्लिक टू कनेक्ट, एक पकड़ दिया, ठीक है अब मैं उधर गया, अभी क्या है ऐसा, क्या है ये तुम्हारा एरिया है जहाँ से कोचिंग से अंदर जाओगे, यहाँ लगा दिया मैंने शेल, ठीक पार्ट ज़्यादा मोटा ना करके छोटा करेंगे, बहुत पतला, बहुत ही पतला, एक डाल देता हूँ, पांच डाल देता हूं, थोड़ा नीचे ऊपर जो भी रखना रख सकते हो, ये एक बन गया, अब यहां से अंदर घुसो, पूरा एनवायरमेंट देखो, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा बिल्डिंग का एक सर्किट एरिया हो गया, पांच नहीं करना चाहते उसको एक रखो फिलहाल, और इसमें कर दो 50, बात एक ही है, ठीक है कैमरा तो ऐसे जाएगा ना, यहाँ से कैमरा जाएगा फिर अंदर घुसेगा, तैयार होगा, ठीक है ना, और उसके बाद इसको थोड़ा नीचे रख सकते हैं हम, या ऊपर रखना मर्जी है आपकी, ये थोड़ा नीचे जाएगा तो ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है ना,
तो ये बनाने से बेटर है पहले इसको हटा दो, बाद में जब आपका काम हो जाए तब बना लेना। समझ में आया? सेव कर दो। क्या लिखेंगे हम इसमें? गेम इंस्टीट्यूट। ठीक इसमें करना है वो डाल देते हैं डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स में डाल लेते हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स डाल, डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स। तुम्हारा टाइम क्या है? डबल मैथ्स है क्या? डबल ठीक है, सेव कर लिया हमने। और ये हमारा इंस्टीट्यूट का एरिया तैयार हो गया।